व्हाट्स इन अ नेम शेक्सपियर ने पूछा था, और अगर मुझसे पूछता तो मैं बताता कि इस नाम की गाड़ी में एक 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन है, एक 6.1 किलोवाट आवर लिथियम आयन का बैटरी है, टोटल कंबाइंड आउटपुट जो है वो है 831 ब्रेक हॉर्स पावर और 1470 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। ये गाड़ी 0 to 100 करती है सिर्फ 2.9 सेकंड्स में और इसकी टॉप स्पीड है 316 किलोमीटर्स पर आवर। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, इस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज एएमजी जीटी 63 एसई परफॉर्मेंस। ये मर्सिडीज की अब तक की सबसे पावरफुल कार मानी जाती है और एएमजी ब्रांड की पहली प्लग इन हाइब्रिड भी है। ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी 11 अप्रैल को और मैं कह सकता था कि ये गाड़ी हम जल्द ही ड्राइव करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए इस गाड़ी के वॉक अराउंड वीडियो से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक रेंज है सिर्फ 12 किलोमीटर और प्योर इलेक्ट्रिक पावर में ये गाड़ी कर सकती है टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो रियर एक्सल पे पोजिशनड है और वो खुद 201 ब्रेक हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क बना सकता है। इस गाड़ी में 7 ड्राइव मोड्स हैं और ये सिंगल पेडल पे भी ड्राइव की जा सकती है। एएमजी रियर एक्सल स्टीयरिंग की मदद से कार को कम जगह में मोड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि जीटी 63 एसी परफॉर्मेंस का व्हील बेस कम नहीं है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज रफ्तार पर पिछले पहिए अगले पहियों की दिशा में आधे डिग्री तक मुड़ जाते हैं। इससे कम स्पीड पर यही उल्टी दिशा में मुड़ते हैं 1.3 डिग्रीज तक। ये गाड़ी स्टैंडर्ड एएमजी जीटी 4 डोर पे ही आधारित है, लेकिन थोड़े बहुत स्टाइलिंग डिफरेंसेस हैं। जो अगला बम्पर है वो बहुत ही ब्रांड न्यू है और काफ़ी अग्रेसिव दिखता है। जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो इस गाड़ी को यूनिक है, और अगर पीछे की बात करें, रियर की बात करें, जो एग्जॉस्ट पोर्ट्स है उनका डिज़ाइन भी नया है और रियर बम्पर पे एक फ्लैप है जो कि चार्जिंग पोर्ट को हाउस करता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ओवरऑल जो गाड़ी का डिज़ाइन है, जो लुक है, बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी स्पोर्टी भी है। अगर कैबिन की बात करें तो इस गाड़ी का कैबिन स्टैंडर्ड जीटी 4 डोर कूपे से काफ़ी मेल खाता है। बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही स्पोर्टी एहसास महसूस होता है इस कैबिन के अंदर। और आपको ये भी बता दें कि मर्सिडीज एएमजी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको देता है कैबिन के लिए, अपहोल्स्ट्री के लिए, ट्रिम के लिए, अलॉय व्हील्स के लिए, पेंट तक के लिए, और इसके अलावा कम्फर्ट और स्टाइलिंग के लिए भी। लेकिन जो सबसे खास फीचर इस गाड़ी में आपको वो दिखाते हैं। ये मैंने दरवाज़ा खोला और ये खुद ही लॉक हो जाता है। सॉफ्ट डोर क्लोज फंक्शन इसे कहते हैं, तो आपको जोर नहीं लगाना दरवाजे के साथ, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ आप इसको धीरे से बंद करें, खुद ही बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये जो कार है फीचर से लैस है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये जो दो बड़े स्क्रीन्स हैं, यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, टच स्क्रीन फंक्शन बिल्कुल क्रिस्प है, करारा है, और इसमें लेटेस्ट जनरेशन मर्सिडीज़ का MBUX कनेक्टिविटी सिस्टम दिया गया है। उसके साथ ही वाईफाई हॉटस्पॉट है और एक बहुत ही प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम है 640 वॉट और 14 स्पीकर्स के साथ, और इसके साथ एक 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग का फीचर भी दिया गया है। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होगी करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए एक्स शोरूम। और जी हाँ, इस गाड़ी का बेहतर अनुभव हमें मिलेगा जब ये गाड़ी लॉन्च होगी 11 अप्रैल को। लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले कार एंड बाइक हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सबसे बढ़िया ऑटोमोटिव कॉन्टेंट आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा।